बहुत शर्म की बात है कि हम लोग राजधानी में रहते हुए में हम लोगों को सात निश्चय योजना के तहत जो मुख्यमंत्री योजना है जल नल हर घर, उसका पानी हम लोग पीने के लिए नहीं मिल रहा। 30 साल हो चुका है हमारा होश संभाले हुए, लेकिन आज तक कभी हमने परिवर्तन नहीं देखा। ऐसे पार्षद है, सिर्फ नाम से ही वाकिफ है कि अरुण शर्मा है, मगर उनको कभी अपने मिर्सी का टोला में आज तक देखे ही नहीं। कैसे हैं उनके मैं अभी पटना के वार्ड नंबर 54 में हूँ। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये मशहूर सरकारी स्कूल FNS एकेडमी है, और इसके आगे थोड़ा सा आगे जो है उसका नाम है मीर शिकार टोली। हम बात कर रहे हैं बिहार लोक संवाद की ख़ास पेशकश आपका वार्ड आपका काउंसलर। इसके तहत हम बात करेंगे उन उम्मीदवारों के बारे में जो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस वार्ड के बारे में, और क्या है वार्ड की समस्याएँ, क्या है लोगों की राय। मेरे साथ वार्ड नंबर 54 के कुछ वोटर्स भी हैं, और यहाँ के लोग भी जो आबाई लोग हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, मुकामी हैं, रिहायशी हैं, इनको पता है कि यहाँ के क्या हालात हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं वो समस्याएं जो बहुत दिनों से थीं और अभी भी हैं, या कुछ बदलाव भी आया है। क्या मसला है यहाँ का? बिजली, पानी, वही सब, और क्या जो समस्या यहाँ रही है, क्या उसके बारे में आप लोगों ने वार्ड काउंसलर से बात की कभी? बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ नहीं उनको सुनाई देता है, इसलिए यहाँ रोड पर नाला बह रहा है। जुमा के दिन देखिए, मुस्लिम मोहल्ला है, नमाज नहीं है, नमाज पढ़ते हैं कीचड़ में लांग के जाके नमाज पढ़ने के लिए, सफाई नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि वीकली एक दिन कम से कम जुमा के दिन भी आप सफाई रखिए, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं रखते, जुमा के दिन भी सफाई नहीं करते। मुस्लिम मोहल्ला, जुमा मस्जिद है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं। पानी की समस्या बहुत दिनों से यहाँ पर है, और नल जल योजना का भी किसी तरह काम लगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, बस इसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। और लोग, बहुत लोग शिकायत किए हैं उनसे जाके वार्ड पार्षद से, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अपने आदमी को भी नहीं भेजते हैं कि हाँ देखो जाके वार्ड में क्या क्या स्थिति है। क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा इस चुनाव में? देखिए, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो भी पार्षद प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वो ऐसा हो जो जनता के हितों का ख्याल रखे। मूल मुद्दा यहाँ के जो लोगों का परेशानी मिर्शी का टोला का, खास करके वार्ड नंबर 54 के, यहाँ पीने के पानी का खास मुद्दा है, जो आज़ादी के बाद भी अभी तक सही से पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। और उनका अपना खुद का मानना है कि उन्होंने उत्तरी भाग में जहाँ पर इधर सकरी गली, गुड़ की मंडी, मिर्शी का टोला, अम्बेडकर कॉलोनी, बहुत सारा मोहल्ला आता है जो पुरानी आबादी है, उसमें उन्होंने काम नहीं किया। ये उनका खुद का मानना है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, अपने नए वोटरों को खुश करके उनको चुनाव जीतना है, उनका मकसद चुनाव जीतना है। उनका मकसद कभी जनता का सेवा करना नहीं रहा है। वो जब पहली बार पार्षद चुने गए थे तो वो लोगों के बीच में गरीब पार्षद के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज वो गरीबों की सेवा के नाम पे वो खुद अमीर बन गए हैं, और गरीब जनता का कोई भी भला आज तक नहीं हो पाया है। वार्ड काउंसिलर से बहुत ज़्यादा शिकायत है, नाला एकदम गंदगी बना हुआ, देखिए लबालब हुआ हुआ, पानी पाइप में एकदम नहीं आता है, 1500-1600 रुपया दे के पंप करवा के पानी निकलवाए जाते हैं, चापाकल से पानी आता है, पीने के लिए पानी हम लोग उससे लेते हैं फिल्टर वाले। जब बरसात आता है तो हम लोग के मोहल्ले में चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, उधर के लोग उधर ही रह जाते हैं, इधर के लोग उधर ही रह जाते हैं, हम लोग चाहें उधर से इधर आ जाएं तो नहीं आ सकते, इसलिए कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नाला और पानी सब एक हो जाता है। हम लोग से गुजारिश है कि भाई कम से कम ऐसा है कि कम से कम मोहल्ले का जो काम है उन लोग का, नाला, पानी और रोड, इस तीनों का काम हल करें। बहुत शर्म की बात है कि हम लोग राजधानी में रहते हुए में हम लोग को सात निश्चय योजना के तहत जो मुख्यमंत्री योजना है जल नल हर घर, उसका पानी हम लोग पीने के लिए नहीं मिल रहा। सड़क का ये इतना बुरा हाल है कि बरसात के दिन में चलना मुश्किल होता है। एक जो होता है कि किसी भी खराब से खराब मोहल्ला वो अच्छा होगा इस मिर्ची घाट वाला मोहल्ले से। लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहा है, बेरोजगार भत्ता नहीं मिल पा रहा है, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसके लिए बहुत अभाव में है। हम लोग जनप्रतिनिधि, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सब लोगों से कह के थक गए हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये अल्पसंख्यकों का मोहल्ला है, इस वजह से उसे खास ध्यान नहीं दिया जाता है। समस्या चाहे कोई भी हो, उसकी सबसे ज़्यादा शिकार औरतें ही होती हैं। हमारे साथ इस मामले की कुछ औरतें हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना है।
कोई परेशानी नाली में पूरा भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे कैसे मिलेंगे, बहुत ही है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। बरसात में तो मतलब कमर भर जाता है पानी में, बहुत होता है पानी नहीं भरा है। देखिए पानी घर में लगा है, निकासी नहीं है इधर पानी का, बोर्ड हिलावे लगी आवे तो नानी या दादी कहो है। हम लोग भी सोचा है बोला हम बातें सब बदल देंगे, नहीं चाहिए ऐसा बातें जो जनता का भलाई नहीं करता है। क्या रास्ता है इसका रास्ता किया जाए, आप नाली सही बनवाइए, नाला जो है सही बनाइए, एकदम इतना गंदगी में डूब के आदमी नहीं ना आना जाना करेगा, बस सड़कों पर पड़ता है। खाने पीने का सवर नहीं है, उसमें लड़का नहीं है इतना भात रोटी करने का, राशन कार्ड नहीं है, इन सब में परेशानी, पानी काजी का दिक्कत है, नाला मोड़ी का दिक्कत है, सफाई नहीं होता है, राशन कार्ड नहीं है, 16 वर्ष से मुसलमान है तो राशन कार्ड के लिए कहाँ से बात करते हैं, जाते हैं बात करो, उसने करता है करता के देंगे बना के नहीं देता है। मसला है कि सबसे बड़ी बात यहाँ काम नहीं हो रहा है, काम हुआ ही नहीं है, अभी जो है नल वाला काम हुआ था तो वो 2% हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। यहाँ कितने उम्मीदवार अभी होंगे मैदान में, कुछ आपको पता है? थोड़ा बहुत तो हमें जानकारी है सर कि वार्ड 54 में लगभग इस मरतबा थोड़ा माहौल गर्म है, टेंशन का मामला है, लगभग हमारे ख्याल से 15 या 20 इस मरतबा उठने वाले हैं। 15-20 उम्मीदवार होंगे? जी उम्मीदवार, जहाँ तक कि हमारी जानकारी है कि 6 से 7 हमारे जानकार हैं वो हमारे जानने वाले हैं। तो इस मरतबा हम लोगों ने, हमारे मोहल्ले वासियों ने, मिर्शी घाट टोला वासियों ने खासकर इस मरतबा परिवर्तन का मिजाज बनाया है। तो हम आपके माध्यम से आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हम लोग के मुद्दे को सुनने के लिए। आपके माध्यम से मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार इस मोहल्ले पे खास करके ध्यान रखे और इसका जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को उपलब्ध करा सकते हैं उसको उपलब्ध कराया जाए। तो ये यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि इनकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी दिनों से लंबित है, और इन लोगों ने संपर्क भी किया था मौजूदा वार्ड काउंसलर अरुण शर्मा से, लेकिन समस्याएँ जस की तस हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कुछ बदलाव की उम्मीद भी है। अब देखना है कि यहाँ के लोगों ने जो बदलाव की बात कही है क्या वो वाकई बदलाव होता है या नहीं। कैमरा पर्सन शाहब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना। शुक्रिया। आपको लगता है कि ये जो लोग आपके यहाँ से लिट्टी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, वो लोग आपको वोट देंगे? हाँ, उम्मीद तो है मेरा, हाँ, इसलिए जनता लोग कह रहा है मेरे आप गुड्डू बाबू खड़ा हुई हम सपोर्ट बनेंगे। हमारे साथ दो ऐसे लोग भी हैं जो इनको गुड्डू लिट्टी को बरसों से जानते हैं, बल्कि बचपन से जानते हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं कि इनमें क्या खास बात है और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कितनी संभावना है इनके जीतने की। जी बताइए, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनको जन समर्थन प्राप्त होगा?